बच्चा पढ़ी कभी कभी ऐसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि ये बताइए इवन और ऑड नंबर में अगर हम जीरो की बात करें, जीरो अगर हम जीरो की बात कर रहे हैं तो ये जीरो हमारा कैसा नंबर होगा? क्या ये इवन नंबर है या ये नंबर हमारा ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमेशा किसी भी नंबर के आगे हम लोग अगर जीरो को लगा देते हैं, किस कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टू के आगे हमने जीरो को लगा दिया तो ये नंबर अब दो से कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर यहां पर मान लीजिए हमने थ्री लिखा है और थ्री के आगे हमने यहाँ पे जीरो इंक्रीज कर दिया, फिर थ्री बड़ा आपका टू, टू से हमारा डिविजिबल है। हमने मान लिया यहाँ पे लगा दिया फाइव लगा दिया है और फाइव के आगे फिर से हमने जीरो को बढ़ा दिया है तो याद रखना ये भी दो से डिविजिबल हो जाएगा। तो इंडायरेक्टली कभी अगर पूछा गया है कि जीरो हमारा कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है, तो हमेशा याद रखना कि जीरो ऑलवेज एक इवन नंबर आता है। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक।